छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम। सॉरी, खबर रायपुर से है, जहां पर 70 दुकानों को ऑक्सीजन पार्क के नाम पर उजाड़ा गया था, उन्हें फिर से दुकानें देने के लिए जगह चयन का काम शुरू हो गया है। और इस मसले को विधानसभा में रायपुर उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा ने उठाया था, जिसके बाद नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया ने उन्हें शहर में ही विस्थापित करने का आश्वासन दिया था। दुकानदारों को वैकल्पिक जगह देने के लिए शिव डहरिया के साथ विधायक कुलदीप जुनेजा, मेयर एजाज देवर और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र छावड़ा ने राजधानी की कई जमीनों का निरीक्षण किया। इनमें से 4-5 संभावित जगहों को चिन्हित करके इसमें 1 या 2 जगहों को फाइनल कर दिया जाएगा और इन स्थानों पर 10,000 रुपए की दर पर दुकानें दी जाएंगी। और हम लोगों ने लाल गंगा शॉपिंग मॉल के पीछे जो जगह है वहां पर एक चिन्हित की है, उसके अलावा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के सामने में रजबंदा मैदान में कोई स्थान देखा है, हीरा आर्केड के सामने देखा है और पंडरी कुस्त बस्ती के पास में एक जगह चिन्हित की है। 4-5 जगह उन मतलब प्रशासन को हमने बताई है। निश्चित रूप से हमें पूरा भरोसा है कि इन सब में से कोई ना कोई 1-2 स्थानों पर जो है दुकानें उन लोगों को मिल सकती है। मेरे पास आया तो मैंने इस मामले को विधानसभा में उठाया था कि 70 दुकानें उनको व्यवस्थापन कराना है, तो मंत्री जी ने सदन के अंदर में आश्वासन दिया था कि विधायक जी के साथ और शहर के और जनप्रतिनिधियों के साथ हम लोग शहर में भ्रमण करेंगे और जो अच्छी जगह देखेंगे, जो जगह अच्छी पसंद आएगी उसको अपन तय करेंगे। तो कल मंत्री जी के साथ हम लोगों ने सबने शहर का भ्रमण किया, 5-6 जगह देखी है और 1-2 जगह पसंद भी आई है। तो मंत्री जी ने कहा है कि जो भी आपको जगह पसंद आती है आप अधिकारियों को बता दीजिए, उस जगह पे हम लोग उसको दुकानें बना के देंगे। तो मैं मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ।